जब आप प्यार में होते हो तो वो एहसास बहुत ही खास होता है, पर अगर वही प्यार आपसे जुदा हो जाए तो आपको बहुत दर्द झेलना पड़ता है। ऐसे में बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो इस स्थिति में कुछ गलत फैसला ले लेते हैं, जैसे कि अपराध, हत्या। सबसे पहले हम आपको सलाह करना चाहेंगे कि अपने इस दर्द से बाहर निकलने की सोचें। और वैसे भी बहुत कम लोग होते हैं जो ब्रेकअप के डिप्रेशन से जल्दी बाहर निकल पाते हैं। जो ऐसी स्थिति में गुजर रहे हैं उनके लिए इससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या कुछ गलत फैसला ले लेते हैं। अगर आप भी ऐसी स्थिति में हो तो आपके लिए हम कुछ ऐसे तरीके और उपाय बताने जा रहे हैं जिसे आप अपनाने के बाद आप अपने अतीत को भूल सकते हैं। टिप्स नंबर 1, उसके संपर्क में ना रहें। अक्सर ये देखा गया है कि ब्रेकअप के बाद भी आपके मन में ये थोड़ा बहुत तो रहता ही है कि शायद वो दोबारा मिल जाए। अगर आपके मन में ऐसा भी कुछ आ रहा है तो आपको ये याद रखना चाहिए कि उसने आपसे ब्रेकअप क्यों किया। ऐसे में आपको उससे कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए। अगर वो बोलता है या फिर बोलती है कि हम ब्रेकअप के बाद भी दोस्त रह सकते हैं, तो ध्यान रखना कि उसके संपर्क में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। मैं आपको ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस तरह से आप अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा पाओगे अगर उसके कॉन्टैक्ट में आप लगातार रहोगे। अगर आपने मन बना ही लिया है कि मैं उसको भूलना चाहता हूँ तो उसके संपर्क में बिल्कुल मत रहो, वरना आप उसे भूल नहीं पाओगे। टिप्स नंबर 2, अपने आप पर ध्यान दें। अगर आपका सच्चा प्यार आपको किसी भी कारण से छोड़ देता है तो ऐसे समय में आपको अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। आप आंसू बहा रहे हो, डिप्रेशन में हो, तो ऐसे समय में आपको ये सोचना चाहिए कि क्या फ़ायदा आपके रोने का, आपके डिप्रेशन में जाने का, जबकि वो ऐसा करने से आपको मिलेगी तो है नहीं। तो ऐसे में उसके पीछे उदास होने का कोई मतलब नहीं है। आपको इस वक्त अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए और अपने अतीत को भूलकर अपने भविष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। टिप्स नंबर 3, अकेले ना रहें। हमारे हिसाब से सभी ऐसा करते हैं। जो लोग डिप्रेशन के दर्द में होते हैं वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में वो अपनी यादों को याद करके रोते रहते हैं। एक शोध से भी पता चला है कि जो लोग ऐसा करते हैं वो जल्दी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ऐसे लोगों को ना तो भूख लगती है और ना प्यास लगती है। उन्हें सिर्फ अकेले रहना पसंद होता है और ना ही किसी से ज़्यादा बात करते हैं। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं ऐसे लोग ज़्यादातर गलत कदम उठाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप भी ऐसे हो तो आपको अकेले रहने से बचना होगा। हमेशा अपने साथ किसी न किसी को रखें, हो सके तो बाहर घूमने जाएं, लोगों से मिलें या फिर टीवी देखें, हर किसी से बातें करें। ऐसे में आप अपने अतीत को भूलने में कामयाब हो सकते हो। टिप्स नंबर 4, अपना दर्द बांटें। किसी ने खूब कहा है कि दर्द को बयां करके ही आप अपने दर्द को कम कर सकते हो। और अगर आप अपने सच्चे प्यार को खो चुके हो और डिप्रेशन में हो तो आपको अपने दर्द को किसी से बांटना होगा। ऐसे में आपका मन भी हल्का हो सकता है। टिप्स नंबर 5, उसकी सभी यादों को अपने से दूर करें। अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको ये वाला टिप्स ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर आप उसकी यादों से दूर रहना चाहते हो, आप उसे भूलना चाहते हो, उसकी दी हुई सभी चीज़ें या तो आप जला दो या तो उसे फेंक दो। सोशल नेटवर्क से उसे ब्लॉक कर दो। मोबाइल से उसका नंबर और सभी कन्वर्सेशन डिलीट कर दो। और हाँ, अगर आपके पास उसकी कोई फ़ोटो है तो उसे फाड़ने से अच्छा उसे जला दें। आपको अच्छा महसूस होगा। अगर आप ये सभी चीज़ें करते हो तो आप उसकी यादों से बाहर निकलने में कामयाब हो सकते हो। टिप्स नंबर 6, जीवन में आगे बढ़ें। यादों को भूलना ही सब कुछ नहीं होता है। आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचना होगा। आपका अतीत कैसा था उसके बारे में सोचना भूल जाओ और भविष्य के बारे में सोचो। आगे हमने इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिनको आप ज़रूर फॉलो करें। टिप्स नंबर 7, अपने अतीत को भूलकर भविष्य की तरफ बढ़ें। शायद सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती हो, पर असल ज़िंदगी में ये करना बहुत मुश्किल होता है।
किसी भी रिश्ते से बाहर निकल पाना आसान नहीं होता है, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। पर ऐसा कर पाना नामुमकिन भी नहीं है। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि अब बहुत हो चुका, तो उस दिन से आपकी नई ज़िंदगी शुरू हो गई। ऐसे में आपको अगली बार प्यार में सोच समझ कर ही कदम रखना चाहिए। टिप्स नंबर 8, अपने दोस्तों से मिलें। पुराने प्यार से बाहर निकलने के लिए अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलना सबसे बेहतर है। उनके साथ बातें करें, इधर उधर घूमने जाएं और अपनी बातें शेयर करें। ऐसे में आपको रिलैक्स फील होगा और पुरानी बातों को भूलने में भी आपको मदद मिलेगी। आपके दोस्त आपसे प्यार करते हैं और उन्हें ये जानने की ज़रूरत होती है कि आप ठीक हैं या नहीं। ऐसी स्थिति में वो आपकी सहायता करने से कभी कतराएंगे नहीं, तो उनसे अपनी बातें ज़रूर शेयर करें। टिप्स नंबर 9, सोशल नेटवर्क पर एक्टिव रहें। अगर आपके बाहर ज़्यादा दोस्त नहीं है, तो आप अपने गम को भूलने के लिए सोशल साइट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। सोशल साइट्स पर एक्टिव रहने से आप किसी से भी बात कर सकते हो और ऐसे में आपका ध्यान अपने अतीत पर नहीं जाएगा और आप बिजी भी रहोगे। जब भी आपको लगे कि आप अकेला महसूस कर रहे हो या अपने अतीत की यादों में जा रहे हो, तो तुरंत सोशल साइट्स पर एक्टिव हो जाओ। या तो आप बाहर अकेले बगीचे में या फिर पार्क में टहलने के लिए जा सकते हो। टिप्स नंबर 10 एंड लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, नए रिश्ते के लिए तैयार रहें। अगर आपको एक बार प्यार में धोखा मिल चुका है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको अगली बार भी धोखा ही मिलेगा। आपको नए रिश्ते के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अगर आपको नए रिश्ते के लिए मन नहीं है, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अपने आप को थोड़ा समय दें। ध्यान रखिए कि नए रिश्ते में आने से पहले आपको सतर्क हो जाना है। किसी से भी जल्दी रिश्ते ना बनाएं। सबसे पहले उसको अच्छी तरह से जानें और बाद में फैसला लें। लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अपने प्यार को भूलने के लिए क्या हम किसी और से प्यार कर सकते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है। जब दिल टूट जाता है, तो हमें सहारे की ज़रूरत होती है, ये बात तो मैं मानती हूँ, और हमें सहारे सबसे अच्छे दोस्त ही दे सकते हैं। ऐसे में दोस्त ही काम आएंगे। आपका सबसे अच्छा दोस्त ही आपके बुरे वक्त में आपका साथ देगा। बेहतर यही होगा कि आप नया रिश्ता बनाने से पहले आप अभी खुद को संभालें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। नए रिश्ते में जाने से पहले आप पहले खुद को स्ट्रॉन्ग कर लें।